मेरा आरोप है मीडिया पर, विशेष रूप से नेशनल मीडिया पर, उसने यात्रा को बाइकाट कर रखा है, बाइकाट कर रखा है, बहिष्कार कर रखा है। हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, आप तो अपने धर्म विभाग के आगे भेज देते हो, दबाव में है केंद्र के इनके नेता है क्या, इनके मालिक लोग, इनके संपादक। मेरा आरोप है उनके ऊपर, वो उन्होंने बाइकाट किया है, बहिष्कार किया है। इतनी बड़ी योजनाओं को क्या आप पूरे देश को नहीं दिखाओगे कि क्या कन्याकुमारी रवाना हुई यात्रा, और रास्ता में पहुंचिए तो क्या गजब का जो सोशल मीडिया देखते हैं वो गर्व करते हैं कि किस प्रकार से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो नेशनल मीडिया जो साथ नहीं दे रहा है उसको सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं है, जिसके लिए मीडिया बना है। चौथा स्तंभ है ये, इसकी वजूद है, इसका इम्पोर्टेंस है, जो हम बचपन से देखते आए कि मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ है देश का। तीन स्तंभ नहीं खारी जम्मू कश्मीर के साथ में, और चौथा स्तंभ अपनी भूमिका निभाने पूरी तरह फेल हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा को, क्या अडवाणी जी की यात्रा निकली थी तो पूरे देश की मीडिया ने उसको नहीं उठाया? किस यात्रा को नहीं उठाया? कोई मैदान में उतरता है तो मीडिया की ड्यूटी बनती है वो पब्लिक को बताए कि भाई ये आज घटना दुर्घटना हुई है। कोई एक्सीडेंट भी होता है तो आप लोग बताते हैं उसको, और ये एक सकारात्मक सोच है राहुल गांधी की, सकारात्मक फैसला है, सकारात्मक यात्रा है। कोई दुर्भावना नहीं है किसी के प्रति, कोई हिंसा नहीं है, कोई द्वेषता नहीं है, सबको गले लगा राहुल जी लगा रहे, बूढ़े को भी बच्चे को भी। आप बताइए मुझे इस देश को क्या चाहिए? अगर ऐसी यात्रा को आप नहीं दिखाओगे तो आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे। कान खोल के सुन लीजिए, नेशनल मीडिया वाले भी और स्टेट मीडिया वाले भी, कान खोल के सुन लीजिए। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। क्या बात करते हो, मजाक बना रखी आप लोगों ने, आप बहिष्कार कर दिया, आपने बायकॉट कर दिया। ये अलग बात है कि आप कम दिखाओ ज्यादा दिखाओ, हमें इतना नहीं है। ये तो दिखाओ कि यात्रा का रेस्पॉन्स क्या है, आपकी जुड़ी नहीं है क्या? आप नहीं कर, मैं समझता हूँ कि मेरी वाणी से मेरे विचारों से आपकी हाईकमांड भी होती है, आपकी हाईकमांड भी होती है, आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, मुझे मालूम है। आप ही घबराए तो ट्रांसफर पोस्टिंग से, ट्रांसफर पोस्टिंग आप ही घबरा जाते हो। और कोरोना के नाम पर 1,70,000, 70,000, 50,000, 50,000, 30,000 तनखा हो जाती है, मुझे मालूम है। कोरोना खत्म हो जाता है तो तनखा वापस रेस्टोर नहीं होती, मुझे मालूम है। इसलिए जो मालिक लोग मालिक ही हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने मालिकों को कह दीजिए हम गवर्नर वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का रास्ता सच्चाई का है, सत्य का है, अहिंसा का है, उसका कार्य चल पड़ा है। और आप खुद देखते हो राहुल जी जो विचार आ रहे हैं उसी रूप में सामने आ रहे, देश के सामने आ रहे।